भाई साहब फॉग देखो फॉग। ये हमें ये हमारे बाइक से और यहाँ पार्टी चल रही है। आलू पराठा, प्याज है, अचार है और कुछ सब्जी है, मिक्स सब्जी है। भाई ये रायगंज और डालखोला के बीच का जो रोड है ना, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना ज्यादा खराब हो। एक तो डस्ट, ऊपर से ये देखो कितना कीड़ा आ रहा है सामने। आप हेलमेट का वाइजर कभी भी खुला मत छोड़ना। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन, दिस इज दीप एंड यू आर वाचिंग मिलियन राइड्स। और आज जो व्लॉग होने वाला है ये बेसिकली एक सीरीज में आएगा, और क्योंकि हम लोग एक हफ्ते के लिए एक टूर में जा रहे हैं जो कि बहुत दिन से, काफ़ी एक साल से हम लोग वेट कर रहे थे। पिछले साल भी प्लान हुआ था, कोविड के लिए सारा बुकिंग कैंसिल करना पड़ा था। कहाँ चल रहे हैं वो तो शायद थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा, तो आप सोचे कि आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं। सो राइट नाउ 10:43 PM। प्लान तो था कि शुरू करने से पहले 3-4 घंटा थोड़ा रेस्ट लेंगे, लेकिन नहीं हुआ। बहुत कोशिश किया, नहीं हुआ। वहाँ पे रिकी है, मेरा पीछे तानिया बैठी हुई है, वो थोड़ा सा मतलब सो पाई है। निकलने से पहले थोड़ा कॉफ़ी तो पीना ही पड़ेगा और हम लोग थोड़ा कुछ खा के भी निकलेंगे। और अभी जो प्लान है, अच्छा कौन कौन जा रहा है वो मैं बता देता हूँ। मैं तानिया हूँ, रिकी है, रुद्र और ईशानी। उन लोगों से शायद आप लोगों का पहले इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, मैं करा दूँगा। उसके अलावा गुड्डू, साना, राहुल, संप्रीति एंड सौरभ। तो टोटल हम लोग 10 जन हैं और 6 बाइक जा रहे हैं, उसके मतलब 4 कपल और 2 जन सिंगल राइड कर रहा है, रिकी और सौरभ। हम लोग डानकुनी में मीट करेंगे, उसके बाद वहां से एक साथ निकलेंगे। आप लोग साथ में रहिए, देखते रहिए, बहुत अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग करने का कोशिश रहेगा जैसा मेरा हर व्लॉग रहता है। और आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा पूरा जर्नी। आप साथ में रहिए, देखते रहिए, और फिर बहुत जल्द मिलते हैं गोप्रो में। So finally we are all set to go, and right now the time is 12:48 AM, yeah 12:48 AM। और अभी सॉल्ट लेक से हम लोग निकलने वाले हैं। ये रिकी का बाइक, और सब कुछ लग चुका है, पता नहीं अभी अंधेरा में दिख रहा है कि नहीं। और ये रुद्रदा का बाइक है। रुद्रदा एक बार हाई कर दो, फर्स्ट टाइम तो मतलब देखा चैनल। एंड शी इज ईशानी, शी इज तानिया, एंड दिस इज माई बाइक। सॉरी, ये सैडल बैग लगा हुआ है, वहाँ पे एक टेल बैग है जिसमें मेरा लैपटॉप वगैरह सब कुछ है। यहाँ पे टैंक बैग भी फिट है। सो वी आर ऑल सेट टू गो, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग द व्लॉग। सो फाइनली वी आर ऑल सेट, चाबी करते हैं ऑन। या देख लो भाई मेरा राइडर्स व्यू कैसा लग रहा है। फाइनली वी हैव स्टार्टेड। Yeah, the destination is North Bengal, as you all know. And हम लोगों का जो प्लान है अभी, the time is 1 AM. So we will reach Dankuni around 1:30, and we will start our ride from Dankuni by 2 AM. So यही लगभग हम लोगों का प्लान है आज का। एंड शिलीगुड़ी पहुँचते पहुँचते आई गेस शाम रात को 8 बज जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि बहुत मज़ेदार होने वाला है ये व्लॉग पूरा सीरीज। आप लोग साथ में रहिए, आप लोगों को लेके चल रहा हूँ। सो मिलते हैं फिर। सो दिस इज द दक्षिणेश्वर ब्रिज एंड राइट नाउ द टाइम इज 1:33। थोड़ा सा लेट है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोगों का प्लान ही था कि 1:30 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे डानकुनी एंड 2 बजे तक हम लोग स्टार्ट कर देंगे डानकुनी से। सो आप लोग देखते रहिए, फिर मिलते हैं आगे। सो फाइनली वी हैव रीच्ड डानकुनी, और सामने दिख रहा है सौरभ और राहुल। या ब्रो ब्रो ब्रो। सो गाइज, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम डानकुनी अराउंड 2:15 AM, एंड राइट नाउ जो प्लान है, बर्धमान से हम लोगों को बादशाही रोड पकड़ना होगा, जो कि यहाँ से मैप में शो कर रहा है 68 किलोमीटर्स। तो अभी तो अंधेरा है, तो ज़्यादा देर मैं गोप्रो ऑन नहीं रखूँगा, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, कुछ दिखेगा नहीं।
दिन होने दो, फिर मैं सब कुछ दिखाने का कोशिश करूंगा। तो फिलहाल के लिए अभी ऑफ करते हैं GoPro एंड फिर आगे मिलते हैं। सो गाइज, दिस इज द बादशाही रोड और बर्धमान से पहले ही ये राइट साइड में एक कट था जहाँ पे आपको एक पेट्रोल पंप का जस्ट ऑपोजिट से जो कट मिलेगा राइट साइड वाला, उसी में आपको आना पड़ेगा। और ये दिस इज़ द बादशाही रोड और इसी से हम लोगों को भी जाना है। मैप ऑफलाइन डाउनलोड कर लिए थे आने से पहले ताकि नेटवर्क प्रॉब्लम में हम लोग मैप देखने में कोई गलती ना हो। सो अभी जा रहे हैं मैप देख के और फिर आगे मिलते हैं। तो अभी थोड़ा सा हम लोग रुके थे और घर से जहाँ से मतलब सॉल्ट लेक से हम लोग स्टार्ट किए थे, उसके बाद 115 किलोमीटर चलाने के बाद हम लोग रुके थे 15 मिनट के लिए और फिर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं यहाँ से। और अभी शायद हम लोग मोड़ग्राम में रुकेंगे, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने का भी प्लान है। लेट्स सी क्या होता है। ये मोबाइल माउंट मुझे यहीं पे करना पड़ा, यहाँ जो मतलब टैंक बैग में किया था वहाँ पे रोटेट हो जा रहा था, बार बार घूम रहा था मेरा स्क्रीन, बहुत दिक्कत हुआ। तो अभी रुके थे तो यहाँ पे लगा दिया और दिस इज़ स्टेबल। इतना अंधेरा है, देख भी नहीं पा रहे कि जगह का नाम क्या है, लेकिन यहाँ से मोड़ग्राम दिखा रहा है 117 किलोमीटर्स। भाई यहाँ पे फॉग है काफ़ी, हम लोग बहुत आराम आराम से अभी जाएंगे यहाँ से। ओ भाई साहब फॉग देखो, फॉग भयानक फॉग। मतलब यहाँ तो आप लोग अगर ऐसा प्लान बनाते हो तो बिना फॉग लाइट का तो कभी सोचना ही मत आने का। फॉग लाइट जलाने के बाद भी रोड ऑलमोस्ट कुछ नहीं दिख रहा है और ये आपको पूरा रास्ता नहीं मिलेगा लेकिन बीच बीच में मिलने वाला है। सो मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड फॉग लैम्प। सो फॉग बहुत ज्यादा है, अभी हम लोग थोड़ा सा रुकेंगे। दो चाटा तो फिलहाल अभी ये जो जगह है इसका नाम है हारमूर और हम लोग थोड़ा चाय पीने के लिए रुक गए। टाइम हो रहा है 5:21 AM और बहुत ज्यादा फॉग था इसीलिए हम लोग थोड़ा रुक गए और चाय भी गिर रहा है। तो अभी एक दुकान मिल गया यहाँ पे और ऐसा वेदर में गरम गरम चाय मिल रहा है, इससे बढ़िया कुछ और कुछ नहीं है अभी फिलहाल। बहुत अच्छा लग रहा है पी के। तो यहाँ पे अभी थोड़ा देर हम लोग रुक जाएंगे, उसके बाद फिर देखते हैं आगे। और सब लोग अभी इधर बैठा है, दिखा देता हूँ क्या चल रहा है। बहुत ठंडा अभी, लगभग सब लोग रेडी है और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखते रहिए, बहुत जल्द मिलते हैं आगे। नज़ारा तो यार बहुत ही खूबसूरत लग रहा है लेकिन ठंडा से फट रहा है। यहाँ से 85 किलोमीटर है मोड़ग्राम। तो अभी फिलहाल मैं ऑफ कर रहा हूँ और फिर आगे मिलते हैं। अभी जस्ट सनराइज हो रहा है, मैं ज़्यादा इधर देख नहीं पाऊँगा, देख लो फटाक से। तो सोच सकते हो कि आप कितना अच्छा लग रहा है अभी राइड करते हुए। देखो भाई, राइडिंग एक पागलपंती टाइप का है और ये जो बाइकिंग कल्चर है, दिस इज़ ऑल्सो मैडनेस ओवरऑल। घूमने का शौक तो बहुत लोगों को रहता है लेकिन ये बाइक लेके इतना दूर, कोलकाता से शिलीगुड़ी अभी हम लोग जा रहे हैं, ये तो पागलपंती छोड़ के दूसरा कुछ नहीं है भाई। इतना ठंडा लग रहा है चलाते हुए, फिर भी वी आर राइडिंग। और हम लोगों को पता है कि आज पूरा दिन में हम लोगों को शिलीगुड़ी घुसना है, वो भी 8 बजे तक। एनीवेज, मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा ये ब्लॉग। तो आप लोग देखते रहिए भाई, बहुत जल्द मिलते हैं फिर आगे।
अभी फिलहाल ऑफ कर रहे हो। अभी देखो भाई ट्रक का पूरा लाइन लगा हुआ है यहाँ पे, सो फिलहाल अभी ऑफ कर रहे हैं GoPro, फिर मिलेंगे। तो भाई सुबह के अभी 7:30 बज चुके हैं और हम लोग कवर किए हैं ऑलमोस्ट 228 किलोमीटर्स। मतलब आपको बीच बीच में ट्रक का लाइन दिखेगा, प्लस रास्ता भी खराब है बीच बीच में, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा लेट चल रहे हैं। राइट नाउ द टाइम इज 9:44 AM और अभी हम लोग मोड़ग्राम, ये जगह का नाम है मोड़ग्राम, और हमारे पीछे ये जो होटल दिख रहा है ये बेसिकली एक लाइन होटल है, इसका नाम है अभिनंदन। और यहाँ का लोकल लोगों से पूछ के यहाँ पे आया, थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे। थोड़ा क्या मतलब, ब्रेकफास्ट हुआ ही नहीं, हम लोग बीच में दो तीन जगह रुके थे तो वहाँ पे थोड़ा चाय बिस्किट पानी ये सब चला, लेकिन मतलब हार्डकोर ब्रेकफास्ट यहाँ पे करेंगे। बाकी प्लान था मालदा में लंच करने के लिए, लेकिन अभी जितना टाइम हो रहा है ऑलरेडी हम लोग एक घंटा पीछे चल रहे हैं, तो अभी यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करके उसके बाद मालदा में फिर लंच करने के लिए नहीं रुकेंगे, उसके आगे रुकेंगे। तो यहाँ पे सब लोग आके थोड़ा फ्रेशन अप हुए और थोड़ा अभी ब्रेकफास्ट मिलेगा। ब्रेकफास्ट में क्या क्या खा रहे हैं वो भी एक बार दिखा देते हैं आपको। हाँ तो चलिए सब लोग क्या क्या कर रहा है थोड़ा सा दिखाते हैं। यहाँ पे सब लोग चिलिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट, हम लोग चिलिंग कर रहे हैं। हाँ राहुल है, रिकी, सौरभ, मिसेस मिसेस रुद्रा। मिसेस रुद्र, आई वुड लाइक टू से माय नेम, आई एम ईशानी। बोल मिसेस रुद्र एंड मिस्टर ईशानी, बोल रहे हो सबाई ग्रुप पे, यहाँ हम है, ये हमें, ये हमारे बाइक से और यहाँ पहाड़ी चल रही है। ब्रेकफास्ट बन गया है और अभी हम लोग सर्व भी हो चुका है, दिखा देते हैं एक बार क्या दिया है ब्रेकफास्ट में। सो दिस इज आलू पराठा, प्याज है, अचार है और कुछ सब्जी है, मिक्स सब्जी है, और ये दही है, और ये दही है, खट्टा दही। तो अभी हम लोग टान के ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो प्लान था मालदा में लंच करने का वो तो नहीं हो रहा है। हम लोग आगे चले जाएंगे और फिर देखेंगे। यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, तो खाने का तो मैं नहीं शॉट्स ले रहा हूँ, पहले आराम से खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग द व्लॉग। तो अभी ब्रेकफास्ट तो नहीं, ब्रंच होगा, ब्रेकफास्ट और लंच मिला के कर लिए। वो बातचीत तो हुआ ही वहाँ पे, क्या क्या खाए वो सब दिखाया गया। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर चुके हैं और 100 किलोमीटर जब कंप्लीट होगा उसके बाद ही रुकेंगे जाके। भाई तेल डालना पड़ेगा, फिलहाल एक पेट्रोल पंप ये मिला हाईवे में। चलो भाई ऑफ करता हूँ, बाद में मिलते हैं। सो आगे जो है ये फरक्का टोल प्लाजा है, यहाँ से मालदा और 50-55 किलोमीटर्स होगा डिस्टेंस। और ये लॉन्ग जितना भी राइड्स होता है ना, इसमें ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर फुल्ली हाइड्रेटेड। ये फाइनली हम लोग पहुँचे हैं फरक्का, क्रॉस कर रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 1:33 PM और अभी हम लोग मालदा क्रॉस कर रहे हैं, जो कि 1 बजे मालदा से निकलने वाले थे हम लोग लंच करके। तो लंच तो अभी हम लोग नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्किप करेंगे, बाद में देखेंगे कहीं पे अगर मतलब थोड़ा, क्योंकि काफ़ी दूर है अभी, डिस्टेंस काफ़ी कवरअप करना है, तो अभी रुकने से नहीं होगा, जितना हो सके अभी हम लोग कवर करेंगे और देखते हैं, थोड़ा सोच के फिर कहीं पे रुकना पड़ेगा लंच के लिए। सो अभी आप लोग देख सकते हो अभी शाम हो चुका है एंड राइट नाउ द टाइम इज 5:15 या तो 5 बज चुका है भाई, और हम लोग अभी रायगंज में है टू बी वेरी फ्रैंक।
थोड़ा सा डिले हुआ यहाँ पे, एक्चुअली हम लोग लंच किए, बहुत ज़ोर से भूख लग रहा था, बिल्कुल एनर्जी नहीं था भाई। ये रायगंज और डालखोला के बीच का जो रोड है ना, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना ज़्यादा खराब होगा, खराब इन द सेंस बीच में हम लोगों को पीछे पूरा टूटा रास्ता मिला, ऑलमोस्ट 4 से 5 किलोमीटर लगभग। और ये जो रोड है ये प्लेन है, लेकिन आप देख सकते हो इतना डस्ट है। अगर किसी का डस्ट एलर्जी है तब तो आपको मेडिसिन कैरी करना पड़ेगा यार, ये बहुत गलत है रास्ता का। देखो भाई ये रास्ता का क्या बोलूं मैं, जितना तारीफ करूं उतना कम। एक तो डस्ट, ऊपर से ये देखो कितना कीड़ा आ रहा है सामने। आप हेलमेट का वाइजर कभी भी खुला मत छोड़ना। एनीवेज ये छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन मैं इसीलिए कैप्चर कर रहा हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे अगर आ रहे हो तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए ताकि आप लोगों का राइड अच्छा हो। देखता हूँ और भी जो भी एक्सपीरियंस होगा, अगर बताने लायक होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। तो काफ़ी रात हो चुका है भाई, अभी 8:30 के करीब बज रहा है और हम लोग सिलीगुड़ी से 80 किलोमीटर दूर में हैं अभी भी। रास्ता काफ़ी ख़राब मिला है, जो कि मैं यूट्यूब में इतना सारा वीडियोस देखता हूँ, बहुत कम वीडियोस में रास्ता के बारे में बोला जाता है कि ख़राब रास्ता है, ख़राब रास्ता है। तो मैं दिखाने का कोशिश किया कि रास्ता कितना ख़राब है और कौन कौन सा जगह पे आपको ख़राब मिलेगा। हम लोग तो अभी ऐसा भी सोच रहे हैं कि लौटते टाइम ये वाला रास्ता नहीं यूज़ करेंगे, भागलपुर पूर्णिया होके जो रास्ता निकलता है दुमका होके, वो वाला रास्ता से शायद हम लोग जाएंगे वापस। देखते हैं प्लान क्या होता है आगे, क्योंकि ये काफ़ी ख़राब रोड है। तो ये जो नॉर्थ बंगाल का मेरा सीरीज़ है, ये मेरा हर दिन का अलग अलग एपिसोड रहेगा। आज का व्लॉग कोलकाता से सिलीगुड़ी तक ही था और हम लोग पहुँच गए हैं बस। अभी तो रात नहीं है, क्या दिखाएंगे अब, जाके भी मतलब तो फ्रेश होना है, हालत सब का बहुत ख़राब है। तो और देख रहे हो आप गला का हालत मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया है, नॉट बिकॉज ऑफ द कोल्ड बट बिकॉज ऑफ द डस्ट, बहुत ज़्यादा डस्ट था। तो अभी मैं यहाँ पे ही मेरा आज वाला व्लॉग एंड करता हूँ और आप लोग देखते रहिए, सब लोग अच्छे रहिए, सुरक्षित रहिए और बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। एंड तब तक स्प्रेडिंग द लव एंड हैप्पी राइडिंग गाइस, सी यू वेरी सून।